इमरान खान के वो सारे झूठ जो उन्होंने पुलवामा हमले के बाद बोले और हमने पकड़ लिए। पुलवामा हमले के बाद मात्र 15 दिनों के अंदर पाकिस्तान की आतंकवाद के साथ हमदर्दी और वो किस तरह से झूठ बोलते हैं दुनिया के सामने आ गया। आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के वो तमाम झूठ जो उन्होंने बोले और हमने पकड़ लिए। थोड़ा फासले पे हमने खुली जगह पे वो स्ट्राइक्स की। पहला झूठ था कि हमने हिंदुस्तान के सैन्य इलाकों के आसपास की खाली जगहों पर हमला किया, जबकि भारत के विदेश मंत्रालय से पाकिस्तानी उच्चायुक्त की बात में ये खुलासा हो गया कि दरअसल हमला भारत के सैन्य इलाकों और तेल डिपो को नष्ट करने के उद्देश्य से ही किया गया था। इमरान खान का दूसरा झूठ। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ने इस तमाम जो एक्शन था उसमें F-16 इस्तेमाल नहीं, हमने हमले में F-16 का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि LOC के इस तरफ पाकिस्तान के जिस जेट के अवशेष मिले वो F-16 के ही थे। वो F-16 जिसे अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दिया था, लेकिन उसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया भारत के खिलाफ। हालांकि उनकी ये चाल उल्टी उन्हीं पर पड़ गई और पाकिस्तान की तरफ से आए विमानों को भारत की तरफ से खदेड़ दिया गया। इमरान खान का तीसरा झूठ। दो पायलट्स जमीन पे जो हमारी फोर्सेस मौजूद थी उन्होंने उनको अपनी रेस्ट में लिया और जैसे उनके साथ एक महजब मुल्क सलूक करता है उसके मुताबिक उनके साथ सलूक किया। एक उनमें से जख्मी थे, उनको हमने CMH मुंतकिल कर दिया है, इंशाल्लाह उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा, जबकि दूसरे जो हैं वो हमारे पास हैं। पाकिस्तान ने कहा कि हमने भारत के दो MIG विमानों को नष्ट कर दिया है और उनके दो पायलट्स को बंदी बना लिया है। इसमें एक की स्थिति गंभीर है, इसलिए उसे CMS अस्पताल में एडमिट कराया है। फिर शाम को बयान आता है कि हमारे पास भारत का एक ही पायलट है। फिर वो दूसरा पायलट कौन था जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ? खबरों की माने तो वो दूसरा पायलट पाकिस्तान के F-16 विमान का था जिसे IAF विंग कमांडर अभिनंदन ने बॉर्डर के उस पार तक खदेड़ दिया। हालांकि इसमें उनका अपना मिग विमान क्रैश हो गया और पैराशूट से नीचे आने के बाद उनको पाकिस्तान ने बंदी बना लिया। खबरों की माने तो वो दूसरा पायलट PAF यानी पाकिस्तान एयरफोर्स का विंग कमांडर शहजाज उद्दीन था, जिसे पाकिस्तान के स्थानीय लोगों ने हिंदुस्तानी पायलट समझकर इतना मारा कि इलाज के दौरान उसने हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ दिया। पाकिस्तान ने इस खबर को दबा दिया क्योंकि उन्हें डर था कि अगर अमेरिका को एयर स्ट्राइक में F-16 के इस्तेमाल का पता चला तो वो अपने विमान कहीं वापस न मांग ले। पाकिस्तान का चौथा झूठ। पहले हमें डॉसियर दे देते और फिर अगर एक्ट ना करता पाकिस्तान तो अगला एक्शन लेता। कि हमने भारत से पुलवामा हमले में पाकिस्तान के शामिल होने के सबूत मांगे, मगर उन्होंने सबूत नहीं दिए और पाकिस्तान में अपने विमानों से बमबारी की। लेकिन उसके बाद जब 27 फरवरी को भारत ने उनको सबूत दे दिए तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि अगर हिंदुस्तान उन्हें पहले ही सबूत दे देता तो हम आतंकियों के खिलाफ कार्यवाही करते, ना कि उनकी सरजमी पर एयर स्ट्राइक होती। मगर सबूत देखने के बाद भी अगले ही दिन उनका बयान आता है कि पुलवामा हमले में मसूद अजहर का हाथ है ही नहीं, पाकिस्तान में उसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं है और वो बहुत बीमार भी है, इसलिए हम उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। पाकिस्तान का झूठ नंबर 5। तकरीबन 4-5 किलोमीटर अंदर आए और उन्होंने बॉम्ब फेंका। जब हिंदुस्तानी वायुसेना ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की तो पहले तो उन्होंने अपनी वायुसेना की नाकामी छुपाते हुए ये कहा कि अंधेरे में उन्हें पता ही नहीं चल पाया कि हिंदुस्तानी वायुसेना के फाइटर जेट्स आए हैं, इसलिए हम कुछ कर नहीं पाए। तो ये भी बड़ा इरेस्पॉन्सिबल होना था पाकिस्तान से कि अगर हम एक्शन ले लेते और हिंदुस्तान की कैजुअल्टीज कर देते जब हमारी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई थी। फिर ये भी कहा कि वहाँ पर सिर्फ एक कौवा ही मारा गया है, जबकि मसूद के भाई अम्मार ने अपना एक ऑडियो टेप रिलीज करके ये खुलासा कर दिया कि हिंदुस्तानी वायुसेना ने बहुत तबाही मचाई। पाकिस्तान का झूठ नंबर 6। पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर को बंदी बना लेने के बाद दुनिया के सामने यह तस्वीर दिखाने की कोशिश की कि पाकिस्तान ने विंग कमांडर के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया, वो जेनेवा कन्वेंशन के सारे नियम मानता है। लेकिन वीडियो के पीछे की सच्चाई अब हम आपको बताते हैं। वीडियो के पीछे की सच्चाई विंग कमांडर ने खुद अपनी जुबानी बताई। उन्होंने बताया
कि पाकिस्तानी सेना ने यकीनन उनके साथ शारीरिक शोषण नहीं किया, लेकिन उन पर दबाव बनाया गया कि वो यहाँ पर टारगेट ढूंढने आए थे और उस दौरान पकड़े गए जब F-16 ने उनके विमान MiG-21 को ध्वस्त कर दिया। तो ये सारी झूठी बातें MiG-21 के जो विंग कमांडर हैं उन्होंने खुद इसका खुलासा किया। तो ये सारे तमाम झूठ हैं जो पाकिस्तान की तरफ से बार बार बोले गए और हमने उनका खुलासा कर भी दिया। और अब आपको ये भी बता देते हैं कि एक तरफ तो पाकिस्तान शांति बनाए रखने की बात करता है, अपने देश की जनता को गुमराह करने के लिए कहता है कि हम शांति चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी सेना लगातार बॉर्डर पर सीज फायर कर रही है। हर आतंकी हमले के बाद सबूत मांगते हैं, मगर सबूत लेने के बाद भी आतंकी उनके देश में खुला घूमता है, इसलिए क्योंकि उनके देश में उन आतंकियों के खिलाफ कोई मामला दर्ज ही नहीं है। पुलवामा हमले के 15 दिनों के अंदर अंदर पाकिस्तान के ये तमाम झूठ सामने आए और बहुत जल्द इनका खुलासा भी हो गया, लेकिन ये फिर भी नहीं सुधर रहे। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद का पनाहगार है, मगर ये इस बात को सिरे से नकारते रहे। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और सी फर्स्ट करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।